नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी हेल्थ का और अपनी फैमिली का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। देखिए, अभी मैं कुछ समय से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि आपको पता है कि फरवरी के ना सेकंड वीक में ना बच्चे पढ़ते नहीं है, स्टडी पे उनका ध्यान नहीं होता है, ध्यान फालतू की चीज़ों पे होता है। आपको पता है कि भाई इस मतलब वीक में बहुत सारे डे, जैसे कि रोज डे, चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे, पता नहीं कौन कौन सा डे होता है, बच्चे इन सब में परेशान रहते हैं भाई। ठीक है, तो देखिए, वैसे मेरे को पता है कि मेरे चैनल पर ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो सिंगल है और मैं आप लोगों की भावनाओं को समझ सकता हूँ। कोई बात नहीं दोस्त, सिंगल लोग ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, तो जो भी सिंगल है भाई वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, आज के जो वीडियो होने वाला है वो है हमारे 12th क्लास हिंदी का जो अंतराल जो बुक है ना, उसका चैप्टर नंबर 1 है सूरदास की झोपड़ी। इस चैप्टर को हम समझने वाले हैं एनिमेशन के थ्रू, आपको समझाऊंगा बिल्कुल सरल स्पष्ट भाषा में, एक एक चीज़ें आपको समझ में आने वाली है, लेकिन हम थोड़ा सा स्टोरी को शॉर्ट तरीके से समझेंगे क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, है ना। यहाँ से इसके इर्द गिर्द से एक क्वेश्चन ही आएगा और आसान से क्वेश्चन आते हैं, बस आप स्टोरी को बहुत अच्छे से समझें। मतलब आप लोग अगर स्टोरी को समझ जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आसानी से आप उसका आंसर कर पाएंगे। सो दोस्तों, ये जो स्टोरी है वो प्रेमचंद द्वारा रची गई एक उपन्यास है जिसका नाम है रंगभूमि। उस रंगभूमि की ही एक मतलब अंश कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं, और इसमें एक अंधे भिखारी सूरदास की मतलब पूरी कहानी है। उसका एक बेटा भी है, ठीक है, मतलब बेटा, सगा बेटा नहीं है, जिसका नाम है मिठुआ। उसी के इर्द गिर्द इस चैप्टर की जो कहानी है, इसकी जो स्टोरी है वो घूमती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चैप्टर में जितने भी कैरेक्टर है उन सभी कैरेक्टर को जान लेते हैं। भाई कुल मिला के 5 कैरेक्टर है इसमें। तो इसमें पहला जो कैरेक्टर रहेगा वो है सूरदास। आपको पता है भाई, सूरदास जो है वो एक ब्लाइंड है, दृष्टिहीन है ना, भीख मांग के अपना काम चलाता है। इसके अलावा एक जगदर है, जगदर जो है वो सूरदास से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है, मतलब जलता है। क्यों जलता है, क्योंकि सूरदास ने यार बिंदास जिंदगी, भाई मौज मस्ती की जिंदगी जीता है, अपना अच्छा मतलब खाता पीता है, मस्ती में रहता है, इस कारण जगदर जो है बहुत ज्यादा सूरदास से जलता है। भैरव की बात करें तो भैरव भी ईर्ष्या करता है सूरदास से, उससे दुश्मनी मोल रखा है। इसके पीछे का मेन कारण भैरव की बीवी है, जो कि चौथे कैरेक्टर के तौर में हम इसको देख सकते हैं, जिसका नाम है सुभागी। अब सुभागी को भाई जो भैरव है वो बहुत ज्यादा मारता पीटता है, ठीक है, इस कारण सुभागी जो है सूरदास की झोपड़ी में जाके शरण लेती है, मतलब वहां पे छुप जाती है। और तो इसकी स्टोरी आगे हम बात करेंगे। तो 4 तो हो गए, 5वां कैरेक्टर आपका रहेगा मिठुआ। मिठुआ कौन है भाई, मिठुआ जो है सूरदास का पुत्र कह सकते हैं, सगा पुत्र नहीं है वैसे, ठीक है, तो पुत्र आप कह दें। तो ये 5 कैरेक्टर के अंतर्गत आपका ये स्टोरी रहने वाला है। तो अब हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे स्टोरी की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि सूरदास जो भिक्षा मांग मांग के क्या किया है, कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे हैं और उन पैसों से वो 3 काम करवाना चाहता है। वो सबसे पहले अपने पितरों का पिंडदान करवाना चाहता है ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसके अलावा अपने पुत्र जो मिठुआ, जो उसका मतलब पालित पुत्र है, उसका क्या करवाना चाहता है, विवाह करवाना चाहता है, शादी भी करवाना चाहता है। और तीसरी अभिलाषा ये है कि अपने गांव के लिए कुआं खोदवाना चाहता है ताकि लोगों के लिए पीने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था हो सके। अब इसी नाटक में क्या है भैया, जगधर और भैरव जो है वो खलनायक के तौर पर भूमिका निभाने वाले हैं, ठीक है, खलनायक और उप खलनायक कह सकते हैं, ठीक है। अब भैरव जो है वो अपनी पत्नी सुभागी को क्या करता है भाई, मारता पीटता है, तो इस कारण वो जो सुभागी है वो क्या करती है, सूरदास की झोपड़ी में जाके शरण ले लेती है। अब भाई जब सूरदास की झोपड़ी में जाके बार बार सुभागी क्या कर रही है, शरण ले रही है ना, तो मतलब लोगों के मन में बहुत सारी बातें चल रही है कि भाई इन दोनों के बीच में कुछ चक्कर है ऐसा कुछ। तो इस कारणवश सूरदास की काफी ज्यादा बदनामी भी होती है और भैरव जो है वो सूरदास को अपना दुश्मन भी मानता है और इस कारण वो उससे बदला लेना चाहता है। तो अपने बदले की आग को बुझाने के लिए क्या करता है, जो भैरव है वो सूरदास की झोपड़ी में आग लगा देता है, ठीक है, और उसकी जो जितनी भी जमा पूंजी थी, जो पोटली में उसने बांध रखी थी सूरदास ने, वो क्या करता है, पोटली को चुरा लेता है, चुरा के भाग जाता है आग लगा के। तो आग बुझाने पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन सभी मतलब अपराधी का नाम जानना चाहते थे कि भाई, सोच रहे थे अपने मन में कि भाई अपराधी कौन होगा, किसने सूरदास की झोपड़ी में आग लगाया होगा। लेकिन सूरदास के मन में तो भाई अलग ही बात चल रही है। सूरदास बहुत ज्यादा दुखी होता है, निराश होता है और उसका मतलब उसकी दिलचस्पी ये जानने में नहीं है कि भाई आग किसने लगाई है। वो तो बस किसी तरीके से वो चाहता है कि झोपड़ी में घुस जाए, ठीक है, अपने घर के अंदर जाए और वहां से पोटली जो है उसको निकाल लाए। लेकिन उसको पता था कि ऐसा नहीं होने वाला है, लोग उसको पकड़ के खींच ले रहे थे, है ना, उसको पकड़ रखे थे लोग। तो इसी कारण मतलब जो भी उसका घर जल रहा था ना, उसकी जो झोपड़ी जल रही थी, उसके साथ ही साथ उसकी मनोकामनाएं, उसकी इच्छाएं भी जलती जा रही थी। अब देखिए, जब आग बुझ जाता है ना, तो उसके बाद सूरदास अपनी झोपड़ी में जाता तो है, लेकिन वहां पे उसको पोटली नहीं मिलता। चारों तरफ वो पोटली को ढूंढता है लेकिन पोटली नहीं मिलता।
अब यहाँ पे हम स्टोरी में जगधर को देखते हैं। जगधर जो है वो सूरदास की झोपड़ी जलाने के पीछे भैरव को ही जिम्मेदार समझता है। उसको मालूम है कि भाई इसके झोपड़ी में आग किसने लगाया है, भैरव ने लगाया है जगधर को, ठीक है। तो वो जाता है भैरव से मिलने, तो वहां पे वो देखता है कि भाई सूरदास की जो पोटली है उसको भैरव ने ही चुराया था। तो जगधर के मन में ना पैसों को देखकर भाई फिर से ईर्ष्या की भावना पैदा होती है कि भाई भैरव के पास तो रात बिना मेहनत किए इतने सारे पैसे हो गए, इतने सारे पैसे आ गए। तो अब जगधर क्या करता है, भैरव को धमकी देता है कि बेटे तूने अगर इसमें से आधे पैसे मेरे को नहीं दिया ना तो ये बात मैं सूरदास को जाके बता दूंगा। लेकिन भैरव फिर भी क्या करता है, पैसे देने से इनकार कर देता है, पैसे देने से मना कर देता है। तो जगधर को भाई गुस्सा आ जाता है और ईर्ष्या की भावना में होता है, बदला लेने की भावना में होता है, ठीक है, जल रहा होता है वो भैरव से। और ये सारी बातें जो भी मतलब भैरव ने किया है वो सारी बातें आके वो सूरदास को बता देता है। वो बता देता है कि भाई तुम्हारे मतलब पोटली को चुराने का काम जो है भैरव ने किया है। लेकिन इस आर्थिक हानि का सूरदास क्या करता है, मतलब छुपाने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि भाई लोगों को पता चले कि उसके पास इतने सारे पैसे है। गरीब, एक गरीब के पास इतना पैसे होना क्या है, लज्जा की बात थी। वो तो एक भाई भिखारी था, भीख मांग के उसने पैसे इकट्ठे किए थे। लोगों को पता चलता कि भाई उसने इतने सारे पैसे इकट्ठे कर रखे हैं तो उसकी बेइज्जती होती है। इसलिए वो क्या करता है, अपनी बातों को छुपाने की कोशिश करता है। अब जो सुभागी है वो जगधर और सूरदास की बातों को सुन लेती है, तो संकल्प लेती है, क्योंकि वो सूरदास से सहानुभूति भी रखती है, क्योंकि भाई सूरदास ही उसको बार बार उसके पति के पिटाई से बचाता था और घर में शरण भी देता था, अपने झोपड़ी में उसको छुपाता भी था, ठीक है। तो वो संकल्प लेती है कि वो क्या करेगी, सूरदास की पोटली को वापस लाकर देगी। तो देखिए सूरदास जो है अभी बहुत ज्यादा दुखी है, निराश है, लेकिन वो अपने पुत्र और उसके कुछ मित्रों को खेलते हुए देखता है और वहां पर सुनता है कि खेल में कोई रोता है क्या। वो इस जीवन को एक खेल मानने लग जाता है उसके बाद, और उसकी मनोदशा जो है वो पूरी बदल जाती है, तथा वो एक खिलाड़ी की भांति उत्साह और आत्मविश्वास से भर जाता है, जो अगला खेल खेलने को तैयार होता है। मतलब एक खिलाड़ी कितनी बार भी हार जाए लेकिन अगला खेल खेलने को हमेशा तैयार रहता है, ठीक है। तो सूरदास की हार ना मानने की प्रवृत्ति ही उसमें विजय का गौरव की तरंग भर देती है। और आखिर में मतलब मिठुआ जो है वो सूरदास से काफी सारे सवाल करता है। मतलब मिठुआ कहता है सूरदास से कि अब हम क्या करेंगे। सूरदास जवाब देता है कि हम दोबारा से अपनी झोपड़ी बनाएंगे, मतलब अपना घर बनाएंगे। तो मिठुआ कहता है कि अगर फिर उसको जला दे तो कहता है हम दोबारा बनाएंगे। कहता है कि अगर तिवारा जला दे तो फिर हम बनाएंगे, ठीक है। अगर कोई 100 बार जला दे तो हम, फिर सूरदास कहता है कि हम 100 बार इसको बनाएंगे, ठीक है। अगर कहता है 10,000 बार जला दे तो हम 10,000 बार इसको बनाएंगे। फिर कहता है कि अगर मतलब 100,00,000 बार अगर कोई जला दे, तो सूरदास का जवाब होता है कि तो हम इसको 100,00,000 बार बनाएंगे। ये क्या दर्शाता है, ये हार ना मानने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, ठीक है। तो ये आपका सूरदास वाला चैप्टर था, सूरदास की झोपड़ी वाले में जो भी इसमें स्टोरी बताई गई थी, जो भी बातें आपकी बताई गई थी वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी होंगे, उसकी वीडियो भी मैं बना दूंगा, तो आप लोग उस वीडियो का इंतजार जरूर करें। बाकी यार वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा यार वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, अपने दोस्तों के ग्रुप में, अपने स्कूल के ग्रुप में कर दे। मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना।